सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और सर्दियों की पहली बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, रात भी बारिश होती रही है और अब सुबह के टाइम भी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, ठंड ठंड जाना शुरू हो चुकी है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट है जी, मतलब कि आधा गुजर भी चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो अब सुबह का टाइम है, फबीहा को जो है रेडी करना है, आज उसका एग्ज़ाम है, उसको रेडी करके स्कूल के लिए भेजते हैं। तो फबीहा भी बाहर आई हुई है, वो भी बारिश काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं उसको रेडी करती हूँ स्कूल के लिए, उसको भेजते हैं स्कूल। फबीहा चली गया स्कूल, इस टाइम खनसा भी उठ चुकी है और चाय जी बन चुकी है। आज मेरे घर मेरी अम्मी और मेरी बहनें और मेरी नानी आई हुई हैं, चाय हमने पी ली है। अब बारी आएगी नाश्ते की, उससे पहले हमने बिस्तर वगैरह जो है ना वो लपेटने हैं, मतलब लपेट के रखने। रात जो है नानी ने ली थी रज़ाई, गाँव में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है तो नानी ने बोला कि इधर भी रज़ाई, पर हमारे घर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती क्योंकि अंदर ही अंदर वाला सिस्टम है ना, इसलिए रज़ाइयाँ वगैरह और बिस्तर लपेटने के बाद आ गए किचन में। अम्मी बना रही हैं नाश्ता, जिसके लिए पराठे बन रहे हैं और जी साथ में हम बना लेंगे सालन वगैरह, कोई जो भी जो खाना चाहे, अंडे बनाए, ऑमलेट, दही, जिसको जो पसंद है। अम्मी वाले कल रात को ही आ गए थे मेरे घर शाम के टाइम, तो अब जी रात यहाँ रुके हैं। सुबह का नाश्ता बन रहा है जो कि अम्मी बना रहे, मेरी बहनें भी साथ आई हैं, उनको स्कूल बंद है ना इसलिए, तो फिर वो मेरे घर आ गई हैं। रोटियां बन रही हैं साथ साथ जी, अब बनाने लगे हैं आलू का सालन जो कि मेरी बहन बनाएगी, जिसके लिए आलू काट लिए बारीक बारीक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर डाल दिए। तो मैं इस तरह ही बनाती हैं, यहाँ भी बनाने लगी हैं वैसा सालन, जिसके लिए कढ़ाई में एक जो है ना थोड़ा सा गरम कर लिया, इसके अंदर आलू टमाटर और सब्ज़ मिर्च सब कुछ मिक्स ही डाल दिया और इसको घी में अपना भून लेगी, अच्छी तरह मिक्स करती रहेगी चम्मच के साथ 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 मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरी बहन बना रही है सालन। हमारे घर जो भी आता है ना मेहमान, वो खाना वगैरह तकरीबन खुद ही बना लेते हैं। हमारे मेहमान बहुत ज़्यादा ही अच्छे और कोऑपरेटिव हैं, हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करते क्योंकि सारे ज़्यादातर अपने ही होते हैं। अच्छा जी, इसको साथ साथ करते रहेगी मिक्स, अच्छी तरह भून लेने के बाद मसाले बाद में डालेंगे। आलू टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब जी इसके अंदर डाल रहे हैं मसाले, जिसमें नमक डाल दिया पहले, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं, और स्पाइसी जो है ना वो तो हम ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए मिर्चें जो है हम अपने हिसाब से ही डालेंगे। 2 टीस्पून भर कर मिर्च डालेंगे, सुर्ख मिर्च। फिर हम भी ना मिर्चें काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पाइसी, हर चीज़ स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है ना मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हल्दी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और उसके बाद गरम मसाला भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर भी हम लाजमी काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं हर सालन में, तो वो भी 1/2 टीस्पून शामिल करें। सब चीज़ों को अच्छी तरह भून के मिक्स करके इसमें पानी शामिल कर देंगे और हंस पे ज़रूरत शोरबा बना लेंगे। ये देखिए जी सालन हो चुका है रेडी, सब्ज़ धनिया काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे। नाश्ता हो गया हमारा रेडी, जिसमें आलू अंडा भी मैंने बना लिया था साथ में, उसी आलू में अंडा शामिल कर दिया था, साथ में सालन और दही और पराठे, बहुत मज़ेदार नाश्ता क्योंकि अम्मी ने बनाया है। तो इसके बाद जी अब हम जो है ना 11 बज गए हैं, खनसा फबीहा आ गया स्कूल से, क्योंकि फबीहा के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो काफ़ी जल्दी छुट्टी हो जाती है, और कल जब हम बाज़ार गए थे ना तो खनसा ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था के ड्रेस लेने गए थे, तो खनसा ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था कि उसे खिलौने चाहिए खिलौने, तो आज जो है स्कूल से आते हुए शायद ड्रेसेस लेने जाना था ना, हम पसंद करके शॉप में ही रख के आए थे, आज लेके आए हैं फबीहा के बाबा, तो वही टॉयज लेके आए जो कल खनसा जिनके लिए रो रही थी। फबीहा ने खनसा को सरप्राइज़ दिया, खनसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है, मेरी बेटियाँ सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो लेके आइए मानो बिल्ली कैट जो होती है ना वो टॉयज थे, कल भी बिल्ली बिल्ली कर रही थी। खनसा के लिए ब्लू कलर की लिए और अपने लिए जी वाइट हैं, दोनों सेम सेम, काफ़ी ज़्यादा दोनों खुश हो रही हैं स्कूल से आते ही, बस इसको खोल के
इसी के साथ खेलने में मसरूफ हो गई फबिया। चलें जी अब देखते हैं ड्रेसेस जो कल हम पसंद करके आए थे और आज आ गए हैं। इस तरह का शरारा ये कलर है, मस्टर्ड कलर है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर लग रहा है। और इस तरह की शर्ट्स हैं दोनों की सेम कपड़े, वैसे भी हमेशा दोनों के सेम, हर चीज़ सेम ही होती है, कभी कभी कलर चेंज कर लेती हूँ, लेकिन ये ड्रेसेस दोनों के सेम ही लिए हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे लगे थे मुझे, फबिया की दादी को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो हमने ये दोनों के लिए ले लिए। गांव में होने वाली है शादी, तो उसके लिए ड्रेसेस लिए। तो ये जी शर्ट है, एक खनसा का एक फबिया का, इस तरह का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। जब पहनेंगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलें जी अब बनाते हैं दोपहर का सालन, जिसके लिए मैं बनाने लगी गोभी गोश्त, चिकन जो है उसमें बनाएंगे गोभी। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा सालन बनता है, चटपटा स्पाइसी सा, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हम बनाएंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें। 1 किलो ले लिया गोश्त, 2 किलो ले लिया गोभी, प्याज जो है एक मीडियम साइज़ का, उसको जो है ना घी में कर लेंगे ब्राउन, अच्छी तरह ब्राउन करना है, जिस तरह हम चिकन बनाते हैं ना उस तरह चिकन का सारा मसाला बना के फिर इसके अंदर गोभी शामिल करनी है। ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट बना हुआ है, यही इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और टमाटर भी 3 अदद मैंने काट के और इसके अंदर सब्ज़ मिर्चियाँ जो है ना वो काट के रख दी हैं। ये है जी गोभी धो के इसके अंदर थोड़े से ना मटर भी शामिल कर दिए, मटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सीज़न है मटर का। तो ये प्याज हो चुके हैं ब्राउन, इसके अंदर हम धोया हुआ चिकन शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह जो है ना घी को, प्याज को अच्छी तरह जो है ना चिकन को मिक्स करके पका लेंगे। चिकन ने ना अपना कलर जब चेंज करना है फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर कर। ये देखें जी चिकन का कलर भी चेंज हो गया, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह भून जाए। कोई भी सालन मज़ेदार बनाना हो उसकी यही मतलब टिप है कि उसको अच्छी तरह भून लें, जितनी भुनाई किसी भी सालन किसी भी चीज़ की अच्छी होगी, जायका उतना ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा और सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा। अब जिसके अंदर शामिल कर दिए टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो है ना इनको गलने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन देके ना हल्की आँच पर छोड़ देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह गल जाए और साथ साथ चिकन भी थोड़ा सा ना जब पक जाए, वो भी थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी और फिर इसके अंदर जो है ना ऊपर जो है ना ढक्कन देके इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद टमाटर गल चुके हैं, चिकन भी थोड़ा थोड़ा गल गया, इसको अच्छी तरह अब हम भून लेंगे और फिर इसके बाद हम सारे मसाले जो है ना वो शामिल करेंगे। सबसे पहले सुर्ख मिर्च, एज़ यूजुअल हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो 2 टीस्पून 2.5 टीस्पून भर के इसके अंदर सुर्ख मिर्च शामिल किया। चटपटी मज़ेदार गोभी गोश्त बनेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुर्ख मिर्च शामिल कर दिया है, इसके बाद जी नमक शामिल कर देंगे, आप हंस में ज़रूरत अपने हिसाब से नमक शामिल कर दें, 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर दिया है।